brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बरेली में। तारीख 17 दिसंबर, दिन शुक्रवार और समय दोपहर के 2 बजे। मुलाकात कहाँ होगी? अग्रसेन पार्क, रामपुर गार्डन, बरेली में। तो बरेली के निवासियों और पड़ोसियों एकदम बने रहना है, आपका इंतजार रहेगा। मिलने मिलाने की बात खत्म, अब चलते हैं असली मुद्दे की तरफ। 2021 का साल संन्यास लेने की तरफ बढ़ रहा था। एक बार जो ये गया तो फिर ये लौट कर आएगा नहीं। शाहिद अफरीदी के जैसा इसका मन नहीं बदलने वाला है। ज्ञानी लोग कह गए हैं कि वर्तमान की डोर अतीत से जुड़ी होती है, जैसे कि दिसंबर 2021 जुड़ा है दिसंबर 1971 से। गोल्डन जुबली पूरी हो रही है। 50 साल पहले क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश नाम से नया मुल्क बनवा दिया था। हम तारीख में इस लड़ाई के बारे में विस्तार से बता रहे हैं 3 किश्तों में। आपको ये एपिसोड्स हमारी वेबसाइट और ऐप के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर मिल जाएंगे। उन सब का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम जानेंगे हारने के बाद पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ क्या हुआ। सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी कहाँ गए? साथ में बताएंगे आज यानी 15 दिसंबर 2021 के दिन विदेशी मीडिया में क्या खास छपा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक काम की सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM। यहाँ आपको देश, दुनिया, समाज, साहित्य, दर्शन, विज्ञान समेत कई और विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। अब चूंकि आप लल्लन टॉप के साथी हैं, इसलिए आपको मिलेगा एक खास ऑफर। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की छूट। लाभ लेने के लिए करना क्या होगा? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटू सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है और जानकारियां चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त, अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत ने अपनी किताब द वॉर दैट मेड RNAW में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। साल 1971, तारीख 16 दिसंबर, जगह ढाका का रमना ग्राउंड। पाकिस्तानी सेना सरेंडर के लिए तैयार खड़ी थी। इंडियन आर्मी के अफसर मुआयना कर रहे थे। इतने में ही मुक्तिवाहिनी के सैकड़ों लड़ाके ट्रक में सवार होकर मौके पर पहुंच गए। इस टुकड़ी का लीडर था टाइगर सिद्दीकी। उसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अहम भूमिका निभाई थी। सिद्दीकी बहुत रोष में था। उसने पहुंचते ही चिल्ला कर पूछा, नियाजी कहाँ है? ये सुनकर JFR जैकब सामने आए। उस समय वो इंडियन आर्मी में मेजर जनरल थे। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को सरेंडर के लिए तैयार किया था। जैकब ने सिद्दीकी को रोककर कहा, सिद्दीकी एक बात सुनो, बेशक तुमने इस लड़ाई में शानदार काम किया है, हमारी प्रधानमंत्री भी तुम्हारी तारीफ करती हैं, लेकिन अगर तुमने नियाजी का एक बाल भी बांका किया तो आज सरेंडर नहीं होगा और हम एक बार फिर युद्ध के मैदान में होंगे तुम्हारे खिलाफ। जैकब गुस्से में था। उनकी बात सुनकर सिद्दीकी खिसिया गया। वो अपना पांव पटकते हुए वापस चला गया। कुछ देर के बाद नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर किया। नियाजी ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। वो घटना भारत के सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली पलों में से एक बनी। उस घटना की तस्वीर आज तक लोगों के जहन में ताज़ा है। पहले वो तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर के बीचों बीच पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी दस्तखत करता दिख रहा है। उनके बगल में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेडियो के सुरजीत सेन माइक्रोफोन लिए दिखते हैं। पीछे की कतार में वाइस एडमिरल कृष्णन, एयर मार्शल दीवान, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और मेजर जनरल जैकब हैं। कालांतर में भारतीय सेना के अफसरों को प्रमोशन मिला। कुछ रिटायरमेंट के बाद राजनीति में भी शामिल हुए। तो पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप के साथ क्या किया? लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा चेहरा था। वो पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड का मुखिया था। लड़ाई के अंतिम दिन वो ईस्ट पाकिस्तान के
का मिलिट्री गवर्नर भी था, इसी हैसियत से उसने सरेंडर किया था। सरेंडर के 4 दिनों के बाद उसको कोलकाता लाया गया, उसे भारत में युद्ध कैदी बनाकर रखा गया। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। नियाजी को 30 अप्रैल 1975 को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान में उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसका रैंक घटाकर आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही पेंशन और बाकी मेडिकल बेनिफिट्स भी छीन लिए गए। कुछ समय बाद आर्मी ने पेंशन तो बहाल कर दी, लेकिन रैंक में कोई फेरबदल नहीं किया। जस्टिस हमदूर रहमान कमेटी ने युद्ध में पाकिस्तान की विफलता की जांच की थी। कमेटी ने पाया कि नियाजी कई भ्रष्ट और अनैतिक कामों के लिए जिम्मेदार था। इस रिपोर्ट में 7 दिसंबर 1971 की घटना का जिक्र है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुए 4 दिन ही हुए थे। उस दिन ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर A.M. Malik ने नियाजी से बात की। उन्होंने लड़ाई के हालात के बारे में उससे कुछ पूछा। सवाल सुनते ही नियाजी रोने लगा। रिपोर्ट में लिखा गया, अगर जनरल नियाजी लड़ते हुए अपना बलिदान दे देता तो उसने इतिहास बना दिया होता। उसे आने वाली पीढ़ियां एक महानायक और शहीद के तौर पर याद करते हैं, लेकिन ये घटना बताती है कि उसने पहले ही लड़ने की इच्छा शक्ति खो दी थी। जस्टिस रहमान कमीशन ने हार के लिए नियाजी को जिम्मेदार ठहराया। कमीशन ने उसका कोर्ट मार्शल करने की सलाह भी दी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी हिम्मत नहीं दिखाई। नियाजी ने कुछ समय के लिए राजनीति में भी हिस्सा लिया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। 1998 में उसने एक किताब लिखी, द बिट्रेल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इसमें उसने अपना चेहरा बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ। 2 फरवरी 2004 को लाहौर में नियाजी की मौत हो गई। नियाजी अपनी मौत तक ये दावा करता रहा कि सरेंडर का आदेश तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने दिया था। वो ये भी कहता रहा कि हार के लिए रावलपिंडी में बैठे कुछ आर्मी अफसर जिम्मेदार थे, लेकिन जस्टिस रहमान कमीशन ने उसकी बात पर गौर नहीं फरमाया। तो पाकिस्तान के बाकी लीडर्स का क्या हुआ? याह्या खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। हार के 4 दिन बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। याह्या खान ने कुर्सी अपने विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। भुट्टो ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा। हाउस अरेस्ट से निकलने के बाद भी वो गुमनामी रहे। अगस्त 1980 में रावलपिंडी में याह्या खान की मौत हो गई। गुल हसन खान पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार का आदेश उन्हीं की तरफ से जाता था। जब भुट्टो सत्ता में आए, उन्होंने गुल हसन को पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया। वो मार्च 1972 तक इस पद पर रहे। बाद में उन्हें ग्रीस और ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का राजदूत बनाकर रखा गया। 1977 के चुनाव में भुट्टो पर धांधली का आरोप लगा। इसके विरोध में गुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1999 में उनकी मौत हो गई। इसी तरह से कई और टॉप अफसरों को हार के बाद भी प्रमोशन और ख्याति मिली, लेकिन नियाजी इससे वंचित रहा। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने नियाजी के ऊपर इतना एहसान जरूर किया कि उसे बांग्लादेश में किए गए युद्ध अपराधों के लिए कोई सज़ा नहीं दी। पाकिस्तान ने इन अपराधों को कभी स्वीकार भी नहीं किया और ना ही कभी माफी मांगी। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं विदेशी मीडिया में छपी सुर्खियों की तरफ। आज की सबसे बड़ी सुर्खी WHO चीफ टेड्रोस अधानेम गेब्रेसिस के बयान से जुड़ी है। उन्होंने ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट पर चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन अभी तक 77 देशों में मिल चुका है। आशंका है कि ये और भी देशों में मौजूद है, बस उसे पकड़ा नहीं जा सका है। अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट स्प्रेडिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट सेज WHO। WHO की चेतावनी, अकल्पनीय रफ्तार से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने WHO की चेतावनी को पहले पन्ने पर जगह दी है। बेलारूस की अदालत का एक फैसला भी विदेशी मीडिया की सुर्खियों में है। अदालत ने सरगेई तिखानोस्की को 18 साल की कैद की सजा सुनाई है। सरगेई यूट्यूब ब्लॉगर हैं। वो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ खड़े हुए थे। लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। हमने दुनियादारी में कई बार लुकाशेंको की कुख्यात गाथाएं सुनाई हैं। उन वीडियोस के लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाइए। हम सरगेई वाली खबर पूरी कर लेते हैं। अब सरगेई चुनाव में खड़े तो हुए, लेकिन लड़ नहीं पाए। उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी
स्वेतलाना ने जिम्मेदारी ली। बेलारूस का विपक्ष मानता है कि स्वेतलाना ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव के अगले ही दिन स्वेतलाना को भागना पड़ा। वो अपने बच्चों के साथ लिथुआनिया चली गई। फिलहाल वो पोलैंड में रह रही हैं। लुकाशेंको ने चुनाव में जीत का दावा भी किया, उसका राज अभी भी बरकरार है। सरगेई पर कई संगीन आरोप लगाए गए, दंगा फैलाने, सामाजिक संबंध बिगाड़ने, चुनाव आयोग को परेशान करने जैसे इल्जाम। अब उन्हें और उनके 5 साथियों को सजा हो गई है। उनके पास अपील के लिए 10 दिन का वक्त है। जानकारों का कहना है कि अपील से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस फैसले को प्रमुखता से छापा है। तानाशाही की बात आए और उसमें चीन का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे किया है। सर्वे के परिणाम के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। सुर्खी है, वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी लूजिंग लस्टर विद चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्मिंग बेटर देन यूएस इन द आईज ऑफ नेशंस यूथ। मतलब चीनी युवाओं की नज़र में पश्चिमी देशों वाले लोकतंत्र की चमक फीकी पड़ी, चीन वाला सिस्टम उभार पर। सर्वे में कुल 10 सवाल पूछे गए थे। इसमें एक सवाल था, पिछले 10-20 सालों में ऐसा क्या बदला कि आप चाइनीज सिस्टम पर भरोसा करने लगे। इस सवाल पर किस तरह के जवाब आएंगे आप आसानी से समझ सकते हैं। शास्त्रों में तो नहीं लिखा, लेकिन कहा गया है कि सर्वे का काम सबको सुखी करना होता है। सर्वे करंतु सुखिना। चीन को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ध्यान खींचती है। रिपोर्ट का टाइटल है, हाउ बीजिंग इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रभावित करता बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है, चीन की सत्ता का केंद्र भी, इसीलिए बीजिंग मतलब चीन की सरकार। रिपोर्ट में क्या खास है, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से चीन क्रिएटर्स का इस्तेमाल अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। ये लोग चीन के बारे में दोनों तरह की बातें करते हैं, वे सब चंगा भी दिखाते हैं और तानाशाही की आलोचना भी करते हैं। क्रिएटर्स को ऐसी जगहों पर रिपोर्टिंग करने की छूट मिलती है जहां पत्रकारों को घुसने भी नहीं दिया जाता। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैमरे के पीछे चीनी सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है। चीन ने कई विदेशी यूट्यूबर्स को अपने खर्चे पर चीन घुमाया। इन सब के पीछे उनका एक मकसद है, चीन की छवि को पाक साफ बनाकर दुनिया के सामने पेश करना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो के बारे में एक अपडेट छापा है। कुओमो जनवरी 2011 से अगस्त 2021 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। कोरोना महामारी के दौरान उनकी लीडरशिप की खूब सराहना हुई थी। फिर उन्होंने इसी विषय पर एक किताब लिख दी, अमेरिकन क्राइसिस लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। इस किताब के लिए उन्होंने लगभग 38 करोड़ रुपए की डील भी की। अब स्टेट एथिक्स बोर्ड ने पूरा पैसा लौटाने को कहा है। कुओमो पर आरोप है कि उन्होंने झूठ बोलकर किताब पब्लिश करवाई। अखबार ने लिखा, एथिक्स बोर्ड का निर्देश एक्स गवर्नर कुओमो के लिए एक और बड़े झटके की तरह आया है। 4 महीने के अंतराल में उन्हें अपने पद और सम्मान दोनों से हाथ धोना पड़ा है। एक सहयोगी के साथ यौन दुर्व्यवहार के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल रहा है। अफ्रीकी अखबारों में कैमरून में हिंसा की खबर छाई हुई है। अफ्रीका न्यूज की रिपोर्ट है, नॉर्दर्न कैमरून बियर्स ब्रंट ऑफ इंटर एथनिक क्लैशेस, 22 डेड 30 इंजर्ड। उत्तरी कैमरून में जातिगत हिंसा में 22 की मौत, 30 घायल। कैमरून में 5 दिसंबर को दंगे शुरू हुए थे। ये झगड़ा पानी को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक टकराव में बदल गया। तब से 30,000 लोग पलायन कर चुके हैं। उन्होंने पड़ोसी देश चाड में शरण ली है। बीबीसी ने अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों पर रिपोर्ट पब्लिश की है। अमेरिका में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 8,00,000 के पार पहुंच चुकी है। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। इनमें से 1/4 से अधिक लोग वैक्सीन आने के बाद मारे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। बांग्लादेशी अखबारों और न्यूज पोर्टल्स में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा सुर्खियों में है। ढाका ट्रिब्यून ने लिखा, बांग्लादेश रोल्स आउट द रेड कार्पेट एज इंडियन प्रेसिडेंट अराइव्स। भारतीय राष्ट्रपति का बांग्लादेश आगमन पर भव्य स्वागत। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद आगवानी के लिए ढाका एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रामनाथ कोविंद 3 दिनों की बांग्लादेश यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वो बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जाते जाते एक जानकारी लेते जाइए, 17 से 19 दिसंबर होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान।
देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम होगी सांस्कृतिक प्रस्तुति। स्वागत रहेगा आपका सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में। ये कहाँ होगा? इंदौर के यशवंत क्लब में। मिलना जुलना कायम रहे, आप कायम रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।